हाय गाइस, सो 20 अगस्त 2023, मैं दो दिन के लिए बाहर गया था। आप लोगों का काम करने ही करवाने ही, क्योंकि फिलहाल सारे रिजल्ट आ चुके थे और कल रात को उत्तराखंड हिमाचल दोनों डिले हो गए। थिंग्स वर अंडर कंट्रोल और मैंने जाम उसको अभी रोका, क्योंकि लोग बाबर कहते थे सर तो मेरा आदेश का पुराना वीडियो देखा मैंने, अभी वीडियो बना के आपको दिखाया साधोपुर का। और बाई चांस यही जो जीटी रोड जा रही है दिल्ली से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से दिल्ली, इसी रोड के ऊपर साधोपुर था, आदेश आने वाला है। जब इस तरफ से आते हैं तो ये देखिए, ये मॉल शॉल आपको नजर आ रही है, बड़ी सी बर्गर किंग वगैरह, ये सब आदेश के लिए है। बेसिकली आदेश के लिए नहीं है, अच्छे से मॉल है, हल्दीराम वगैरह सब है। देखिए हर चीज मैटर करती है, राइट। और वो बोर्ड पे लिखा हुआ था ना आदेश 300 मीटर, और आप राइट में देखिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न आसानी से नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत सोच समझ के एकदम यू नीचे से आता है। और फिर से देखिए पर्पस ये है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने आपको साधोपुर दिखाया, दूसरे कॉलेज में दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जो मेरे हिसाब से हाउ आई जज द हॉस्पिटल द कॉलेज। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मैं आज भी उतना समय नहीं लगा पाऊँगा, तो हम बाहर बाहर से देखेंगे, रफली देखेंगे, तो इट मे नॉट बी अ परफेक्ट सिचुएशन। पर आपको जो मेरा हमेशा स्टाइल रहता है कि आपको आइडिया ज़रूर लगता है जब आप सरकमस्टांसिस से कंपेयर करते हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लिखा है था आदेश 300 मीटर और हम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज तो कहीं मेरे को नज़र आ नहीं रहा है। वहाँ पर तो 300 मीटर लिखा हुआ था, क्योंकि आदेश इतना छोटा भी नहीं है कि खो जाए, वो नज़र तो आना चाहिए। या तो जब तक मैं वीडियो सेट कर रहा था मैं भूल गया और मैं आगे चल पड़ा हूँ, या मेरे ख्याल से वो सामने आ रहा है। और अगर मैं भूल गया हूँ तो फिर बहुत ही बड़ी भूल हो गई है मुझसे। ये तो हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े हैं, आई थिंक सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो शायद 800 मीटर का बोर्ड था, देखिए थोड़ा हरा भरा एरिया। पहली चीज़ ये होती है कि लोकेशन क्या है, और जैसा मैंने कहा कि वहाँ से आपको कटरी मिलेगा, क्योंकि मैं आ ही रहा था हिमाचल से, तो शायद उसे तो सारे कॉलेज देखता हुआ देखना नहीं गया था, पर तो कुछ और था। देखिए सामने आपको बड़ा बड़ा आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, आपको बाहर से एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट में सब कुछ आदेश ही है, और आपने देख लिया कि आदेश जीटी रोड के ऊपर है। ये देखिए, ये हो गया कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर का सीन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। ये जो मैं हमेशा आपको दुकानें दिखाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई अगर 5-6 दुकानें चल रही हैं यहाँ पर छोटी मोटी, देखिए 6-7, और यही साधोपुर के बाहर ना एक दुकान थी, एक दुकान, तो यही फ़र्क होता है 5-6 दुकानों में और एक दुकान में। मैं फ़ोन थोड़ा नीचे कर लूँगा वरना तंग करेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि देखिए ये सामने लेफ्ट राइट में पार्किंग, देखिए आप पार्किंग फुल है, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक अच्छे हॉस्पिटल की पहचान होती है कि उसकी पार्किंग में कितने गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना जाना है, मिलने जाना है एडमिशन के लिए। विवेक गुप्ता, हाँ जी विवेक गुप्ता, वी आई वी ई के जी यू पी टी ए। गेट आप बंद रखते हो ऐसे कस के, तो एम्बुलेंस वगैरह जाएंगी तो कैसे जाएंगी? एम्बुलेंस तो पीछे दिख जाएगी नहीं, पीछे से खोल देते हैं। कहाँ से? पीछे दिख जाती है तो भी खोल देते फट से। कितने दिन में आती रहती है एम्बुलेंस? 9818 1816 13 91। कहाँ पे जा रहे सर? मेडिकल कॉलेज एडमिशन देखने। एडमिशन के लिए सामने है ना, जो सामने चौक है ना, ग्रीन बोर्ड है, जो बच्चे से नजर आ रहे दूर से। हाँ बच्चे नजर आए, हाँ हाँ हाँ, उसे राइट हो जाए सामने बिल्डिंग। ठीक है भाई, तो ये राइट में है देखिए जी हॉस्पिटल, और
आपको कुछ गाड़ियाँ वगैरह HDFC बैंक का ATM है अंदर, और सेम शायद हमने पहले भी देखा था, ये हमने एंट्री मार ली है, पिछली बार के मुकाबले काफ़ी बन चुका है। आप देखिए, मतलब आई थिंक मैंने बोला जो हम कुछ UP के मैंने कॉलेज देखे थे, सरस्वती और रामा, उसके मुकाबले तो मुझे काफ़ी, फिर भी आप लोग कहते हैं जी आदेश देख कर आए थे, मज़ा नहीं आया। और मैं रिपीट करता हूँ, कोई मेरा आदेश से कोई, ये देखिए अंदर भी छोटी सी दुकान है, चेक ये सब देखो, चलती दुकानों से ना ये पता चलता है आपको, कोई दुकानदार बेवकूफ़ तो है नहीं ना जो खोल के बैठ जाएगा विदाउट एनी सेल। मेडिकल कॉलेज राइट में है, बॉयज़ हॉस्टल लेफ्ट में है, नर्सिंग कॉलेज लेफ्ट में है, तो आओ ज़रा। तो ये एक और दुकान ये भी है जूस वगैरह की, तीन दुकानें ये अंदर देखिए, गुरु स्टेशनरी की शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, पांच दुकानें हमने बाहर देखी थी। तो ना कई लोग एक्चुअली आते हैं, कहते हैं सर हम आदेश देखा, मज़ा नहीं आ रहा। शायद मैं फिर से रिपीट करूँगा जो मैंने पहले कई बार आपको वीडियोज़ में बोला है कि देखिए, थोड़ी एक्सपेक्टेशन हमें ना अपनी, ये बासिपुर कोर्ट सा बना रखा है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन है ना थोड़ी, जब हम इंडिया की मेडिकल कॉलेज की बनाए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज काइंड ऑफ मोनोपोली है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में समझा चुका था, दोबारा से नहीं बोर करूँगा, लेकिन MBBS कॉलेज खोलना एक बड़ा ही सेफ बिजनेस है इंडिया में। घटिया से घटिया कॉलेज की भी इंडिया में सीटें पूरी भर जाती है, ये गारंटी है। तो बेटा ये गर्ल्स हॉस्टल है MBBS का, AC है हॉस्टल में, हर कमरे में AC है, टू गर्ल्स इन ए रूम, एक बच्चे होते हैं, और वॉशरूम अटैच के कॉमन हर रूम में, वेरी गुड। तो लो जी, एक लाइव बच्ची से हमने बात करी, तो दो रूम है, एक कमरे में दो बच्चियां हैं और अटैच वॉशरूम है, ठीक है। तो और आपको क्या चाहिए भाई, फिर भी किसी को पसंद ना आए तो मैं रिपीट करता हूँ कि जी हिंदुस्तान में यही मिल जाए तो बहुत है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे NC से या झज्जर से या अल्फला से या जो साधोपुर है या SGT से, तो अपने आप बनिए ना नंबर वन हरियाणा का। स्टेट प्राइवेट की बात करोगे, चलो SGT के कुछ चाहने वाले कह सकते हैं नहीं सर SGT में भी ये है वो है, तो भाई SGT में 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, यहाँ पर 75 लाख खर्चा हो रहा है, तो 25 लाख का फर्क भी तो है। AC मेरे को तकरीबन काफी रूप्स में नजर आ रहा है, क्या पता ऑप्शनल हो जी, सी ब्लॉक हुई इसमें देख लेंगे हम। तो ये था जैसा कि हमने देखा, और नए ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, क्या पता कोई और सीट अप्रूव करा रखी हो, कई जगह AC लगे हुए हैं, 100% AC मुझे नहीं दिख रहे, तो उससे ये भी आइडिया लग जाता है कि कभी कभार जो होता है कि AC ऑप्शनल होता है, AC लगवा लो और उसके हिसाब से जो आपका एडिशनल बिल आएगा वो दे देना। कई कॉलेजेस ऐसे कर देते हैं, फिर से मैं यू टर्न ले रहा हूँ, कॉलेज का साइज, कॉलेज है साइज है, अगेन आई रिपीट, मैं बिल्कुल इसको इंडिया की हमारी मेरी कैटेगरी के टायर वन में नहीं डालता, लेकिन भाई उसके बाद हम जब देखते हैं क्या करता भी तो आ ही जाता है ना। हरियाणा में भी हम जानते हैं कुछ NRI सीटें भी होती है जो राउंड 3 में कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बनेगी, तो अभी भी आपको आदेश मिल सकता है। उसी गोल चक्कर पे आके जो गार्ड भैया ने बताया था कि भैया लेफ्ट ले लेना तो यहाँ पहुँच जाओ, हमारे अब थोड़ा साइज साफ हमें देखिए, डेफिनेटली इट इज़ नॉट वेल अदर कॉलेजेस, और शायद वही रहता है कि आप कहाँ खर्चा किस होते हो, ये हर एक मैनेजमेंट के बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो डेफिनेटली वो ये कुछ ऐसा प्रिम एंड प्रॉपर नहीं दिख रहा है कि भाई हर चीज़ अपनी जगह पे है और हर चीज़ परफेक्ट है। डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, इट कुड हैव बीन क्लीन्ड इन अ फार बेटर मैनर में नजर आ, ये मक्का बॉयज हॉस्टल, बाइकें वगैरह खड़ी है, शक्ल से पता चल रहा है। AC ऊपर दिखना मुझे लगता है AC ऑप्शनल है, क्योंकि कई रूम्स में AC है कई में नहीं है। तो फिर वही बात है कि जो अपना AC लगाना चाहे वो लगा ले, ऐसी स्कीम मुझे लग रही है, लड़का आ रहा है इससे क्विकली पूछ लेंगे। बेटा आप स्टूडेंट हो यहाँ पे? जी सर। MBBS के PG? MBBS। कौन से ईयर में? लास्ट ईयर आए थे 22 में। एक बार बता बेटा, ये हॉस्टल में AC हर कमरे में है कि किसी में है? हर कमरे में है। तो दिख नहीं रहा था हर कमरे में ना? अच्छा, सब में दे दिया। कितना पैसा ले रहे हैं साल का AC हॉस्टल में? 3,50,000।
दोनों का खाना प्लस मेस का, सब कुछ इंक्लूडेड, लॉन्ड्री वगैरह सब इंक्लूड करके। शाबाश, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, क्लियर हो गया। ले 3.5 लाख रुपए रहे हैं, लेकिन एसी हॉस्टल दे रहे हैं मेस के साथ, ठीक है। और हम जानते हैं हरियाणा में 12 लाख रुपए फीस है साल की, 7.5% हर साल आ जाता है। सो 12 चौके 48 56, इंक्रीमेंट पकड़ लो 60 62 और 3.5 लाख, तो वही जो हम बोलते हैं 75 लाख का पैकेज, लेकिन एसी हॉस्टल विद फूड। ये मेडिकल कॉलेज की तरफ हम फाइनली आ गए। आदेश मेडिकल कॉलेज का बड़ा सा बोल्ड है, यहाँ पर अंदर जाना है, पर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और खैर, मेडिकल कॉलेज तो अच्छा ही बना रखा होता है, इसमें क्या ही देखना है, आप सबने देख ही रखा है पहले। और ये जो बिल्डिंग थी ना सामने, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल था, पूरा का पूरा। ये जो हम घूम के आगे चले गए थे, तो दिस एंटायर बिल्डिंग इज़ हॉस्पिटल, वेरी बिग। लास्ट टाइम शायद मैं अंदर गया हूँ तो मैंने आपको दिखाया होगा। इससे मैं हॉस्पिटल के बैक साइड में है। ओके, वो फ्रेंड था, और ये बैग भी बहुत बड़ा है। चलता हुआ हॉस्पिटल है, मेंटेन्ड हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने में वही चाहता हूँ कि देखिए, मे भी वही बात है, आप कुछ और कस्तूरबा देखोगे तो भाई ये, या अमृता देख लोगे तो फिर तो ये अहम ही लगेगा। लेकिन ठीक है जी, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अमृता छोड़ के इसको लो, तो अमृता हमें नहीं मिल रहा, तभी तो हम ये ले रहे हैं ना। ये लेफ्ट में पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस चल रही है, राइट। और वही मेरा पॉइंट है कि अगर हमें मिल ही जाता तो हम क्यों लेते। ओपीडी में भीड़ है, जैसे मैंने कहा एचडीएफसी का एटीएम है, 5-6 गार्ड बैठे हैं। मैंने पूछा था, चलिए मुझे अच्छा लगता है कि जो अस्पताल हो ना वो चलता रहे। पार्किंग देखिए, पार्किंग से आइडिया लग जाता है कुल कितने लोग आते हैं। पार्किंग इसी वजह में, और पेड पार्किंग है, ये फ्री नहीं है। फिर से एक बार दुकानों में नजर मारिए, 6-7 दुकानें, लोग बाहर बैठे हैं। ये आइसक्रीम फलूदे वाला भी खड़ा है, समझ रहे बात को। ये सब इसलिए खड़े होंगे ना कि अस्पताल में इतनी आवाजाही है, ये सामने एक ट्रक लोग भर के जा रहे हो। तो अब दिन के अब 2 बज चुके हैं 1:30 बज चुके। फिर से एक बार पार्किंग पे और फ्रंट व्यू से नजर मार लीजिए, तो पार्किंग की भीड़ से थोड़ा आइडिया लगता है। ये फैकल्टीज हो, स्टूडेंट्स हो, उनके लिए अंदर पार्किंग होती है, राइट। तो यहाँ पेड पार्किंग में तो वो लगाएंगे नहीं, पेड पार्किंग में वही लगाते हैं जो हॉस्पिटल्स में आए हुए हैं। ओके, अब देखिए पुलिस चौकी भी अंदर चल रही है, क्योंकि इस एरिया के लिए शायद यही एक अच्छी जगह है, तो इन्होंने पुलिस चौकी भी अंदर ही खोल रखी है। एक डाक खाना भी अंदर है, तो चलती हुई जगह है जैसा मैंने कहा। और डेफिनेटली इसे हरियाणा में, खासकर जब 75 का पैकेज है, एसी हॉस्टल है, तो ये एक और एक भोजनालय चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बट आई थिंक इनका कोई अस्पताल से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आते आते मैंने कहा था कि थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट राइट में। और ये बहुत सारे लोग बैठे खाना खा रहे हैं, और ये वो देखिए जो अंडरग्राउंड था ना, तो जब दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो आपको इस पुल से पहले ही नीचे आ जाना है, और उस अंडर पुल के नीचे से आपको इधर आना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा यू टर्न हो जाता है। मैं भी ले चुका एक बार, इसे मेरे को पता है। ओके, और बस आपको दिखा रहा हूँ कि कॉलेज के आसपास का क्या माहौल है, क्या है। ये इंटरनेशनल स्कूल आ गया, और इसी तरह से देखिए जो मेरी कन्विक्शन रहती है, मेरा हमेशा पर्पज रहता है कि आपको बेस्ट ऑप्टिमल सीट मिले जितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ओके, और इसी काउंसलिंग के लिए यू ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।